नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जीके रफ्तार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीईटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपके साथ शेयर करनी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी आवेदकों से प्रेफरेंस भरवाना सोमवार से शुरू करेगा, यानी कि सोमवार से जो आपको प्रेफरेंस भरनी है वो शुरू हो जाएगी। ट्रायल उसका सॉफ्टवेयर का पूरा हो चुका है, उस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, उसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं और आगामी सोमवार से उस सॉफ्टवेयर को खोल दिया जाएगा, जिसके अंदर ग्रुप सी पदों के लिए उम्मीदवार प्रेफरेंस भरेंगे। पहले ये पेपर के बाद भरने के लिए कहा गया था, लेकिन अब जो HSSC है उसने फैसला लिया है कि ये प्रेफरेंस पहले ही भरवाई जाएगी। इस प्रकार इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन होंगे, जिसमें से अगर मान ले कि आपको 5 नंबर कैटेगरी को पहली प्रेफरेंस देनी है तो उसके 5 के सामने आपको 1 टाइप करना होगा। इस प्रकार अगर आपको 18 नंबर कैटेगरी को दूसरी प्रेफरेंस देनी है तो उसके सामने 2 टाइप करना होगा। इस प्रकार पूरे फॉर्म को भरने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। फाइनल सबमिट करने से पहले उसका एक प्रिंट आउट लेना होगा और उस प्रिंट आउट पर अपने सिग्नेचर करके फिर से अपलोड करके फिर उसे फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद उसमें किसी प्रकार का एडिट या किसी प्रकार का अन्य कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसके बाद वह फ्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रेफरेंस भरी जाएगी, सोमवार से जो सॉफ्टवेयर है वो शुरू हो जाएगा और ग्रुप डी के लिए सीटी 1000 परीक्षा केंद्रों पर 21 और 22 अक्टूबर को आयोजित होगा। 1072 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 17 जिलों के अलावा चंडीगढ़ में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अंदर बता दें कि पंचकुला, पिंजौर, कालका में 52 केंद्रों पर 12,819 उम्मीदवार जो परीक्षा दे सकते हैं उसकी क्षमता ये है। अंबाला, बराड़ा, मुलाना में 54 केंद्रों पर 16,826, यमुनानगर में 71 केंद्रों पर 20,978, कुरुक्षेत्र, पेवा, शाहबाद और लाडवा में 64 केंद्रों पर 20,155, करनाल, नीलोखेड़ी, गरोंडा में 64 केंद्रों पर 24,160, पानीपत, समालखा में 51 केंद्रों पर 18,660, गुरुग्राम, मानेसर में 75 केंद्रों पर 23,386, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में 1,007 केंद्रों पर 34,450, पलवल, होडल में 34 केंद्रों पर 11,070, रेवाड़ी में 25 केंद्रों पर 8,584, महेंद्रगढ़, नारनौल में 46 केंद्रों पर 20,800, हिसार में 59 केंद्रों पर 21,443, फतेहाबाद, बुन्ना, भट्टू मंडी में 49 केंद्रों पर 14,212, सिरसा में 60 केंद्रों पर 16,373, कैथल में 34 केंद्रों पर 10,679, भिवानी में 37 केंद्रों पर 13,686, सोनीपत में 45 केंद्रों पर 17,294, चंडीगढ़ के 145 केंद्रों पर 41,854 उम्मीदवार है वो परीक्षा दे सकते हैं, ये इनकी क्षमता है। और इसके लिए जब आपका डी का एग्ज़ाम होगा तो सभी परीक्षा केंद्रों पर आने जाने के लिए रोडवेज बसों की सुविधा है वो प्रबंध किया जाएगा। एक दूसरी अपडेट हो रही है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप सी पदों की जो भर्ती का मामला है उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक काटने से पहले उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जाएगा। आयोग ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी को पत्र लिखकर 2.11 लाख उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है। 2.11 लाख उम्मीदवारों ने जो अंक दिए हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी और वेरिफिकेशन के बाद जिनके अंक काटने होंगे उनको पहले नोटिस जारी किया जाएगा। इसी प्रकार आवेदक है वो ये भी मांग उठा रहे हैं कि अगर ज़्यादा संख्या वाले पदों को अलग अलग परीक्षा दी जाए तो ज़्यादा सीटी पास उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है, लेकिन इसका फैसला आयोग को करना है। ये केवल लोगों द्वारा मांग उठाई जा रही है। और इसके बाद एक और खबर आई है, मेरिट से बाहर हुए कलर्कों को हटाया जाए। सरकार का ये कहना है कि जो मेरिट से बाहर हो गए हैं कलर्क उनको हटा दिया जाना चाहिए। विज्ञापन संख्या 5/2019 के तहत कलर्कों में जो रिजल्ट 23 जून 2022 को रिवाइज किया गया था उस रिजल्ट में जो कलर्क सर्विस में थे मगर सूची से बाहर हो गए हैं उन्हें हटाने के लिए आयोग ने पत्र लिखा है। आयोग ने उन्हें भी हटाने के लिए कहा है जिन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा।